मैं ठीक नहीं हूँ एक्चुअली, आई एम कोरोना पॉजिटिव। थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाइट उसके लिए जा रही है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें उसके लिए जा रही है फॉर अ फास्ट रिकवरी। हमारी फैमिली में फर्स्ट कोविड केस हुआ है वो, तो आज है 22 जनवरी, मैं हूँ जुरकपुर में। तो कैसे आप सब लोग, होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक नहीं हूँ एक्चुअली, आई एम कोरोना पॉजिटिव। 20 जनवरी को मुझे हल्का हल्का फीवर आना शुरू हो गया था, थोड़ी गले में खराश होनी शुरू हो गई थी, तो मैंने भाई साहब को अपने रूम से बाहर भेज दिया था, बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर दिया था मुझे, क्योंकि डर था। तो कल मैंने मतलब डॉक्टर से बात की, उनसे जस्ट पूछा कि मेरे को ऐसे ऐसा फील हो रहा है, बॉडी एक्स है, गला ख़राब है, और तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ प्रेस्क्राइब की और साथ में मुझे ये बोला कि आप कोरोना का टेस्ट भी करवा लीजिए। तो मैंने अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया था कल सुबह, और मैं पॉजिटिव आया था। तब से मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। कर तो मैंने 20 जनवरी से ही कर दिया था, जब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे हल्का हल्का फीवर हो रहा है, बॉडी एक्स हो रही है, गला ख़राब हो रहा है, तब से मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया था। बट उसके बाद से तो मैंने और भी अपने आप मतलब और भी ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी शुरू कर दी थी मैंने, भाई जी ने। और बस अब आज मेरा दूसरा बल्कि तीसरा दिन है आज, और अभी फ़िलहाल मैं ठीक फील कर रहा हूँ। अभी मेरा कोर्स चल रहा है दवाइयों का, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है, वरना पहले दिन तो मेरे बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा बॉडी एक्स थे, काफ़ी कुछ था मतलब। तो अब काफ़ी ज़्यादा रिलीफ पा रहा हूँ, बट वही अभी भी बॉडी में वो थोड़ी एनर्जी लो है, बॉडी एक्स बीच बीच में होती है मुझे। चेस्ट बताऊँ अपनी तो एज सच बताऊँ तो मतलब कभी कभार भारी फील होता है यहाँ, बट अभी तो फ़िलहाल ठीक फील हो रहा है, और यही है बस। तो बाकी अब आप मेरी जर्नी देखिए, 20 जनवरी थी से मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है, तो कैसे कैसे मेरा चलता है सब कुछ अभी तक, तो वो ज़रूर देखें आप। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो आप लोग देख रहे हो मैं अभी रजाई में बैठा हूँ अपनी, मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड किया जाए यार, क्योंकि ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के साथ शेयर करना। तो पता नहीं, आज सुबह से मेरे को गले में खराश सी हो रही है, बॉडी काफ़ी हैवी है, बॉडी एक्स है मुझे, सर दर्द है, फीवर भी है। और फॉर प्रिकॉशंस मतलब मैंने भाई जी को पहले ही बोल दिया था कि यार आप दूरी रहो मुझसे, मेरे कमरे में मत आना, क्योंकि क्या पता लगता है क्या हूँ। ऐसे जो मैं बाहर कहीं गया नहीं था, मार्केट जाता था बस, उसके अलावा कहीं तो बस मैं आपको दिखाना चाहता था कि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने बॉडी एक्स इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मतलब मेरे से बैठा नहीं जा रहा है, ऐसे खड़े हो गए सीधी बैक करके बिल्कुल नहीं खड़ा जा रहा है, मतलब लोअर बैक में तो और कुछ ज़्यादा पेन हो रही है। जैसे मेरे को भाई जी ने कुछ खाने के लिए दिया था, और सीन ये है कि मैं और भाई जी हैं, मम्मी पापा शिमला चले गए, तो भाई जी मेरा ख्याल रख रहे हैं और बहुत अच्छे से रख रहे हैं। स्पेशल स्टूल रखा है, बाय चांस उनको कुछ चाहिए तो यहाँ रख रहे, मैं यहाँ से कलेक्ट कर रहा हूँ। और वो मास्क लगा के आ रहे जब भी आ रहे, वो देखो अभी खाने के लिए उन्होंने मुझे परांठा, एक दो परांठा विदाउट घी लगा वो दिया है, और साथ में चाय दिए, तो वहाँ रखा था उन्होंने, तो मैंने खा के वापस वहाँ रख लिया, वो वहाँ से कलेक्ट कर ले गए। बाकी साथ में मेरे को एक सैनिटाइज़र भी दिया उन्होंने, ये तो प्रिकॉशन रख रहे अपनी तरफ से, मतलब मैंने अभी तक कोई टेस्ट नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया, बस तब भी प्रिकॉशन पूरे रख रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उनको कुछ इफेक्ट पड़े। और चलो मैं तो जैसे तैसे काट लूँगा दिन में, बेचैनी इतनी है कि मतलब क्या ही बताऊँ। सिम्टम ऐसा जब भी मेरे को कुछ लगा नहीं, खांसी मुझे है नहीं कि हर कुछ खांसी, थोड़ी थोड़ी बहुत खांसी है, और बस बॉडी एक्स बहुत है। और यार सुबह मैंने मतलब एजी खाई एंटीबायोटिक, उससे मेरा पेट खुल गया, मेरा पेट ख़राब हो गया, तो मुझे लूज़ मोशंस भी लग गए, तो बार बार वॉशरूम भी जाना पड़ रहा है। बट कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम बस मैं अपने आइसोलेट हो गया यहाँ रहूँ, टेस्ट करवाने का देखता हूँ मैं, अगर एक दो दिन मेरे को ऐसी कोई दिक्कत हुई, मेरी ऑक्सीजन कम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कुछ हो रहा तो ऑब्वियसली मैं टेस्ट भी करूँगा। बट अभी मेरे को यही लग रहा है कि अभी नॉर्मल फीवर है, थ्रोट इन्फेक्शन है, तो इसकी वजह से फीवर आ रहा है, बॉडी एक्स हो रही है। सीन ऐसा, मेरे को ये पता है कि अगर मैं टेस्ट करवाऊँ या ना करवाऊँ, मेरे को कोविड पॉजिटिव आएगा ही आएगा, करवाया नहीं अभी तक श्योरिटी इसलिए क्योंकि देखो इतने सारे लोग आ रहे, वो तो एसिम्प्टोमेटिक तब भी पॉजिटिव आ रहे, मेरी तो हालत ख़राब है, बॉडी एक्स है, गला भी ख़राब है, अजकल का हैवीनेस है, सर दर्द है, तो मैं तो फर्स्ट और आऊँगा। तू कर लियो, कर लेना, आज उन्होंने तुझसे कर लियो की बात यार, इतना अंदर ना तेरे पे से गार्गल की लूं पानी, मैं गरम कर दूंगा, तो पहले बात कर ले, जो भी कुछ हो रहे तो कर ले। एक और मील आ गई है मेरी,
ये पानी भाई जी ने चने उबाले थे, मतलब बॉईल किए थे, तो उसका पानी है, काफ़ी हेल्दी होता है। बाकी इसमें फ्रूट्स काट के दिए ताकि जैसे मैं अब दवाइयाँ खा रहा हूँ तो ज़्यादा गर्मी ना हो पेट में। ये देखो सैलेड में क्या क्या नहीं दिया, चने दिए, फ्रूट्स तो काटे काटे, साथ में ड्राई फ्रूट्स भी काट के दिए। भाई साहब तगड़ी सेवा कर रहे हैं, थैंक यू। खाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? चल ठीक है भाई। ठीक है भाई। खाना खाने से देखते हैं अभी। नींद आ गई तो फिर नहीं, ऐसे भूखा मत होना ना, क्योंकि दवाई भी खानी है, पेट नहीं भरा तो खाना खा लेंगे। कोई नहीं, ठीक है। रोटी चल ठीक है, देख। तो यार सीन अभी ऐसा हो रहा है कि मेरा लोअर बैक में बहुत ज्यादा मतलब बैठा भी जा रहा है, ऐसा बस मन कर रहा है लेट जाओ। हालत बहुत बुरी हो रही है इस टाइम, बॉडी एक से तो बहुत बुरी हो रही है, और बाकी अगर मैं कुछ खा रहा हूँ ना यार तो मुझे लूज मोशन लग रहा है, और वो लूज मोशन जैसे वैसे नहीं है, खतरनाक ही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब बाथरूम में जाके मेरा भी यही हाल हो रहा है, और भाई इतनी दर्द मुझे शरीर में नहीं हो रही जितनी वॉशरूम में जाके हो रही है। भाई बहुत ही बुरा हाल हो रहा है भाई जी, मैं अपने से नीचे बता यहाँ। हाँ क्या देखो, ज़्यादा लग रहा है, बॉडी एक सो रही है बाकी उसने। फीवर फील हो रहा है? हाँ सर भारी है। अगर देख ज़्यादा होगा तो कल चल पड़ेगा। कोई नहीं कोई नहीं, ये अगर रात को भी को जरूरत पड़ेगी तो मुझे बता सकते हैं। हाँ कोई नहीं, टेंशन ना। तो गाइस ये फीवर इतना दिखा रहा है मेरा, पता नहीं सही है कि नहीं, 98.9 ही दिखा रहा है। तो यार अब जरा अब कोशिश करता हूँ, मुँह में डालूंगा, धो लेता हूँ पहले, अंडर आर्म्स के नीचे डाला था उससे ज़्यादा कुछ लगा नहीं पता, तो अब थोड़ा धो के मुँह में डालूंगा। ये तो 98.9 दिखा रहा है, बट मेरे को खुद ज़्यादा लग रहा है, मतलब अराउंड 100 के करीब है, 99 से ऊपर ही है। देखा ठीक बोल रहा था, 100.3 है, मुँह में डाल के देखो तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे भाई साहब ने हमारे को पोहा दिया बना के, वो पैकेट वाले नहीं होते 3 मिनट पोहा। भाई जी जो मतलब मदद कर रहे हैं ना, मेरी जो सेवा कर रहे हैं, और ऊपर से उनका अपना काम भी होता है, तो मतलब शब्द नहीं अभी बयान करने को। एक तो शायद उनको डर भी है, तो ना हो कुछ ना हो। गुड मॉर्निंग गाइस, अनदर डे। अभी फील मतलब बेटर काफ़ी फील कर रहा हूँ अभी, मतलब मुझे गले में दर्द नहीं है, बॉडी एक्स काफ़ी ज़्यादा अभी भी फिलहाल। लोअर बैक तो बस टूटने को ही है भाई, जो बोलो लोअर बैक तो, बाकी ठीक है। अभी मैंने मतलब डॉक्टर स्क्वायर यहाँ VIP रोड पे वहाँ फ़ोन किया था, कंसल्ट किया था डॉक्टर को, तो वो उन्होंने कुछ मेडिसिन दिए, वो आ रही है बस। और फिर मैंने अपनी रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट भी मंगवाई है, तो चेक करके देख लेता हूँ। डॉक्टर ने बोला आप एक बार चेक करके देख लो, अगर है तो ठीक है, आपको पता तो लग जाएगा। बाकी आइसोलेशन में रहो, आइसोलेशन में रहने के लिए मुझे बोला है कि आइसोलेशन में रहो, क्योंकि ज़्यादा बेटर है ताकि किसी और को ना फैले या कुछ ना हो। हमारा एंटीजन टेस्ट आ गया, अब देखते इसमें करते गए, लिखा होगा वैसे इसमें। डालनी भी दोनों साइड है ताकि पता नहीं भाई हुआ होगा, कोशिश मैंने पूरी की जितना मैं डाल सकता था। लिक्विड जैसा था, स्वाप जो भी बोल सकते हो, वो मैंने इसमें डाल दिया लिक्विड। पहले देखो, सबसे पहले बताऊँ, एक लिक्विड जैसा था वो डाला है मैंने इसमें सबसे पहले, फिर जो जिसे टेस्ट करते हैं वो मैंने निकाला, नाक में डाला दोनों साइड, सैंपल लिए, फिर इसमें तोड़ के इसमें डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। अब दो ड्रॉप्स डालनी मैंने, अब देखते हैं क्या आता है। दवाइयाँ आ गई यार, सब पैरासीटामोल है, ये पैरासीटामोल टेबलेट्स है, ये है बिफोर ब्रेकफास्ट बिफोर डिनर, ये शायद गैस्ट्रिक के लिए होनी के, मतलब हो जाता है कभी कभार दवाइयाँ खा के गैस्ट्रिक हो जाती है, तो शायद वो होगी।
बाकी ये आफ्टर, ये पता नहीं किस चीज़ की होनी, ये ऑगमेंटिन लग रही है तो मुझे एमोक्सिलिन, ये मेरी एंटीबायोटिक है, तो ये टोटल 4 दवाई है जो मुझे खानी है। ये नहीं समझ आया मुझे क्या ऐसा कुछ हो गया, एक लाइन तो आ गई, अब सेकंड गॉड नोज आ तो रही है हल्की हल्की भाई हल्की हल्की आ तो रही है, मतलब पॉजिटिव लग रहा हूँ मैं, हो सकता हूँ लेट्स सी। और चांसेस ये होते हैं कि अगर एक बार रैपिड में आ गए तो आपको जो RT-PCR करवाओगे उसमें भी आएगी आएगी। हाँ, अगर आप रैपिड में नहीं आओ तो फिर ऐसा होता है कि RT-PCR करवाना पड़ता है देखने के लिए। तो गाइस सीन ऐसा है कि अभी मैंने टेस्ट किया और आ तो रहा है कि 2 लाइनें आ गई है, पॉजिटिव आ गया है अभी फ़िलहाल के लिए, तो अब बैठे क्या, 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 क्या? तो यार अभी खा रहा हूँ मैं आटा फिर से, क्योंकि दवाइयाँ खानी है। डॉक्टर को मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट करने की, मगर वो पता नहीं, वो बिजी है कहीं, क्या है पता नहीं। तो अभी ये खाता हूँ, भी दवाइयाँ खाता हूँ। बाकी यार अभी मैं और भाई जी इधर, मम्मा पापा तो शिमला गए हुए काम से अपने, शायद शाम तक आ जाएंगे वो लोग भी। और अभी तो एग्ज़ाम भी है भाई मंडे से, ओहो मैं तो वो सोच रहा हूँ कैसे बस उस टाइम तक थोड़ी हालत ठीक हो जानी चाहिए, बॉडी एक वगैरह ठीक हो जाए ताकि लिखने की हालत हो, बाकी कुछ नहीं। अब तो भाई मैंने कभी नहीं सोचा था मैं अपने घर पे वो मास्क लगा के घूमूंगा, अरे लोड ज्यादा होगा ना फिर मैं कम होगा क्या बता, तू करवा तेरे को पॉजिटिव ना आ जाए तू सिम्टम्स इसके 2-3 दिन बाद पता लगता है भाई, तो ठीक है फिर आना होगा तो हो जाएगी। और वो साथ ही सो रहे थे इतने दिन से, हम साथ ही सो रहे थे, तो ऐसा था कि मतलब जिस दिन मेरे को होने लग गया था ना उस दिन हम उठ गए थे, जल्दी उठ गए थे, अरे इसने मेरे को भगा लिया बेड से। हाँ मैंने मतलब जैसे मेरे को सुबह ऐसे लगा मैं बीमार जैसा हो गया, मैंने इसने मुझे बेड से भगा दिया, बोले निकल 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 मेरे को आज कुछ हो रहा है ये तो हमें पहले ही पता था कि अगर किसी को कुछ हो रहा है तो वी हैव टू रन, वी हैव टू रन आउट, चश्मे दिख के बेचारे क्या करना भाई, कैसी ठीक हो रही सेवा पानी, बढ़िया भाई तू बढ़िया कर रहा है सेवा पानी, मम्मी भी आ रहे आज तो बस आ जाए फिर हम वो करेंगे, तू चल उनसे भी रहा नहीं गया 2 मिनट के लिए, जैसे ही पता चला बोले मैं तो आ गई, चाहे जो मर्जी हो जाए पापा को बोलते आप ये रहो मैं तो जा रही हूं पता है उनको भी चल रहे हो भी, मगर उनको भाई अपने रूल समझाइए तो भी थोड़े तेरी तरह करूंगा सर्विस, मेरा पार्ट है तेरी तरह। हाँ मैं करूंगा सर्विस और कोई नहीं करेगा, हाँ मम्मी सिर्फ खाना बना के देगी, हाँ क्योंकि वरना वो पागल जैसे, नहीं नहीं मैं ही हूं, मैं जो हूं मैं ही करूंगा, मैं हैंडल करूंगा ये सारा जब तक तू ठीक नहीं होता, ठीक है ठीक है। और सेकंडली गाइज देखो हमारे को भी कोरोना पकड़ लिया, टू भी ऑनेस्ट हम हमेशा सोचते थे कि हमें नहीं कोरोना पकड़ होगा, सही बात है, और हम ये सोचते थे हम तो इनएविटेबल है बट इस दुनिया में कोई भी इनएविटेबल नहीं होता कोरोना, और ये हमें तो ये भी नहीं पता आया कहाँ से, यार मम्मा और मैं यहाँ पे रहने वाले हैं तो एक कोविड मरीज के घर पे तो हमने अपने लिए विटामिन सी की गोलियाँ ले आई है, प्रॉपर मास्क घर के बिल्कुल इसके रूम के इमीडिएटली बाहर, सैनिटाइजर है हमारे पास ताकि हम इमीडिएटली अपने हाथ एकदम सैनिटाइज करते रहे, और क्या है यही है, और हम पूरी प्रिकॉशन रख रहे हैं, डबल मास्क लगा के आ रहे हैं, वेलनेस रूम मेंटेन कर रहे हैं, जिसको ये दरवाजा छोड़ने का पूरा कोई अधिकार नहीं है, तो थोड़ा बंद करना तू भी ऐसे बिल्कुल खोल के, यहाँ हूँ ऐसे तो 2 मीटर का डिस्टेंस होता है तब भी यार इतना दूर हूँ मैं भाई, और डबल मास्क है क्या, इससे कहाँ जाऊँ मैं, केला भी खा रहे अभी तो तेरा पेट भर रहा है तो तू खा रहा है इसे थोड़ा, हाँ इससे तो बड़ा अच्छा, मतलब तेरा ऐसा ना क्योंकि तेरा पेट इतना बड़ा है और तेरे को छोटा छोटा खा के क्या होगा, सही बात है यार इतनी भूख नहीं है ना, अगर बट तेरे को वीकनेस आएगी इसके बाद तेरे को अच्छे से रिकवर होना पड़ेगा, तभी मैं तेरे को बोलता हूँ प्रॉपर स्लीप लियो। सो गाइज आई वाज टोल्ड टू मेक अ वीडियो बिकॉज जो बाहर नहीं आ सकता, उसने ब्रेड बटर खाया तो उसकी थाली मैंने यहाँ रख दी है, ये वाला सिंक जिसमें हम खाते हैं, मतलब जिसमें मैं या फिर जो हम ठीक है वो लोगों का खाना जो भी धुलेंगे बर्तन वो इसमें धुलेंगे, और उज्जू की सिंक है मैंने स्पेशली अलग रखी, जितने भी उसके बर्तन है जितना भी कुछ है जिसमें उसको मैं दे रहा हूँ, और उसकी सिंक ही अलग रख दिया मैंने, इवन जो मैं उसके बर्तन भी धो रहा हूँ ये तो हमारा है इससे हम धो रहे बर्तन, बट जो उसका है उसका मैंने इसके नीचे रखा है अलग से, मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई हम चांस ले, ठीक है। ये थाली भी मैं धोऊंगा तो एकदम खौलते पानी से धोऊंगा, तो दिखाता हूँ देखो एकदम गर्म पानी एकदम, और उसकी देखो हमारी डस्ट रहती है ना यहाँ पे इस वाले उसमें, बट उसकी डस्ट मैंने स्पेशली बाहर रखी है और प्रॉपरली कवर्ड रखी है, इसको मैं डिस्पोज ऑफ भी प्रॉपरली करूँगा ताकि, यार देखो चाहता हूँ किसी और को हो या फिर किसी और को हमारी वजह से हो तो वो पाप मैं नहीं झेलना चाहता हूँ, तो टेकिंग प्रॉपर केयर जो जो हो सकता है, और देख सकते हो मुझे मास्क लगा के रहता हूँ जब खासकर उसके बर्तन धोता हूँ, लोग बोलेंगे थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हो,
बट यार मेरे को प्रिकॉशन लेनी है, देखो मैं अगर बीमार हो गया तो मेरी काफी दिन का सब कुछ इफेक्ट हो जाता है, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। आज जो डॉक्टर ने इसे दवाइयाँ दी और जो भी सब कुछ दिया, इससे बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। कल थोड़ी सी टेंशन हो गई थी मुझे, बट नाउ आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी कि चलो एटलीस्ट ही इज़ फीलिंग बेटर नाउ। दो दिन से ही वॉज, मतलब वो तड़प रहा था बेड पे ना, मतलब होता नहीं कि बॉडी एक्स हो रही है, फीवर था कॉन्स्टेंटली, तो ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो मैंने कोशिश की कि अपनी तरफ से इसको सबसे बेस्ट दूँ जो जो हो सकता है, और खुद को भी बचूं यार, क्योंकि देखो अगर हम दो में से एक बीमार हो जाता तो करता कौन फिर, आपको समझ सकते हो बात। तो जब तक वो बीमार है तो मैं उसकी अच्छे से सेवा कर पाऊँ, तो मेरा तो यही है। इवन अभी मम्मा भी आएगी तो मैं सर्विस उन्हें नहीं करने दूंगा, सर्विस मैं खुद ही करूंगा, वो खाने पीने का बना दिया करेंगे, बिकॉज अब मेरा एक सिस्टम और एक वो बन गया है कि मैं अच्छे से कर सकता हूँ इसकी। ऐसी तो मम्मा को पता लगा कि भाई अब तो लड़का मेरा पॉजिटिव आ गया, तो अब तो भाई जाना पड़ेगा पापा को वहाँ छोड़ के। आगे भाई फटाफट यहाँ आगे टैक्सी करवा के मम्मा आ गए कि भाई नहीं मैं तो आ रही हूँ, सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि यार इसमें ऐसा कुछ देखो, मेरे को मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे बहुत बुरे हाल हो रहे, मेन चीज़ इसमें बस ये है कि वीकनेस बहुत आएगी मुझे, जैसे मेरे को भूख ज़्यादा नहीं है। बट हाँ ये मैं बोलूँगा कि अभी जैसे आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, अब जैसे कोशिश करूँगा कि एक हफ़्ता 10 दिन तो अब मैं आइसोलेशन में रहूँ मैक्स। वैसे एक हफ़्ता है जो बोला है कि एक हफ़्ता आपने देखना है, अगर आपको तब ऐसा लगता है कि आप ठीक हो, आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहे, तो वेल एंड गुड। तो गाइस मैं अभी जस्ट मैं सोच रहा था एडिटिंग करता हूँ थोड़ी यार, क्योंकि व्लॉग डालना भी ज़रूरी है, क्योंकि चलो बीमारी अपनी जगह, चलो व्लॉग तो एडिट कर ही सकता हूँ बैठे बैठे, बाकी कुछ नहीं। और घंटी सुनाई दी आपको, शायद घर वाले आ गए मम्मी आ गए, तो देखते हैं। हाँ भाई अगल क्यों खोल दिया दरवाजा तेने, तो कुछ नहीं होता। अरे नहीं भाई, अरे पागल है, नहीं थोड़ा सा मिल रहे हैं बस, और क्या वैसे मिलना भी कैसे, तब भी मास्क है इसके वजह से यूज नहीं करता, क्या करना, तू मास्क लगा के रखना तो कोई नहीं। हां बस इतना 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 रहने, अरे वो अगर खुल गया अभी बंद गया, चल ठीक है। हां तो बड़ा लेट हो गया, मैं तो तब वही वेट कर, मैं तो आप लोगों का वेट कर रहा था, कहां है भाई। अभी तो मैं अपने बाल सुखा रहा हूं, बाकी सच बताऊं तो अभी ना जब मैं नहा रहा था ना, तो जैसे अंदर भापी भाप हो गई थी, तो उसमें मेरे को थोड़ा लग रहा था कि मेरे को थोड़ी छाती पे दबाव पड़ रहा, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आ रहा है, बाकी बट जैसे मैं बाहर आया तो मैं ठीक हो गया, अब मुझे मतलब ऐसे कुछ फील नहीं हो रहा अभी। हाँ बाकी बस ये बताना चाहता था मैं आपको कि ऐसा फील हो रहा है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मेरे को भाप में अभी हुई थी, बट ये भी है मतलब जैसे मैं थोड़ी हिल डुल कर रहा हूँ, चल रहा हूँ तब भी मेरा सांस थोड़ा फूल रहा है, थोड़ा मतलब चढ़ रहा है सांस, तो पता नहीं अब शायद पड़ रहा हो अब यहाँ धीरे धीरे इफेक्ट, थोड़ा दिक्कत आएगा, तो शायद अब ऑक्सीमीटर कल शायद मंगवाई दूँ भाई से, कि चलो पता तो लगे ऑक्सीजन कम तो नहीं हो रहा ज़्यादा, मतलब कितना कम हो रहा है, अगर हो भी रहा तो चेक करना ज़रूरी है बार बार। बस यही दिखाना चाहता था मैं आपको कि कैसे शुरुआत हुई सबकी, और फिर मैं कैसे पॉजिटिव आया, फिर कैसे अब मेरी सेवा होती आ रही है, और क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं, और आगे अब मैं आपको कि मेरी रिकवरी कैसे हुई, मैंने खाना पीना कैसे खाया, मेरे को मम्मी और भाई ने कैसे कैसे मेरी सेवा की, क्या क्या मेरे को खान पान दिया, यहाँ से स्टेप आउट करूँगा इस रूम से बाहर स्टेप आउट करूँगा 7वें 8वें दिन, वो सारा मैं एक और व्लॉग बनाऊँगा, उसको स्पेशली एक व्लॉग बनाऊँगा कि कैसे मैंने अपना ख्याल रखा, अपनी रिकवरी के लिए क्या क्या किया है मैंने, मुझे क्या क्या खिलाया गया है, अलग व्लॉग बनाऊँगा। बाकी इसके बाद फिर से वही व्लॉग शुरू हो जाएगा आने, पुराने वाले व्लॉग्स, क्योंकि वो टाइमलाइन मैं छेड़ना नहीं चाहता हूँ, अगर वो टाइमलाइन छेड़ दी तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सब कुछ आपके सर के ऊपर से जाएगा एकदम से, तो वो मैं छेड़ना चाहता हूँ। मानता हूँ थोड़े पुराने व्लॉग्स हो, हफ्ता 10 दिन पुराने व्लॉग्स हो, बट क्या करें यार, अब मेरा एक रूटीन है, एक दिन छोड़ के डालने वाला, अब मैं उसको ब्रेक नहीं कर सकता, व्लॉग के बाद फिर से वही पुराने व्लॉग्स डालना शुरू कर दूंगा। बट हाँ अपनी रिकवरी वाला व्लॉग एक ज़रूर निकालूंगा मैं, ज़्यादा मैं अब कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि अभी अभी मेरा सर भारी भारी सा है, काफ़ी भारी भारी सा है, तो चलो मिलते हैं फिर आपको बाद में, होप यू लाइक इट, और ये बताना आपको ज़रूरी था तो तभी मैंने रिकॉर्ड किया, ठीक है।